हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इट्स बागेश्रीज कलर बॉक्स। आज मुझे मिले हैं ड्राई फ्रूट्स के ये दो पैकेज, और ये इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं इसे यूज़ करूँ। सो इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है ये एक स्टिफ पेपर, ये भी पैकेजिंग में मुझे मिला था। बॉक्स का साइज़ मैंने मेजर कर लिया था और उस पर ट्रेस करूँगी ये झरों का पैटर्न। ये वाइट शीट मैंने कट कर ली है और अभी ये सेम साइज़ मैं बॉक्स पर भी ट्रेस करके उसे भी कट कर लूँगी। सबसे पहले साइड्स कट कर रही हूँ ताकि बाकी कटिंग्स में मुझे दिक्कत ना आए। दोनों तरफ काटने के बाद इसका शेप कुछ इस तरह से दिख रहा है। वाइट शीट और बॉक्स का कटिंग लगभग सही सही मैच हो रहा है। बचे हुए शीट से मैंने रिमेनिंग साइड्स जो बचे हैं उसको भी काट लिया है। टेयर टेप ख़त्म हो चुका था तो मैंने सेलो टेप से ही ये सारी एजेस को सिक्योर कर लिया है ताकि थोड़ी मजबूती बनी रहे। अब बारी है सारे वाइट शीट्स जो हमने काटे थे उसे वाइट ग्लू की हेल्प से इस पर स्टिक कर देने की। अब ये अच्छी तरह से स्टिक हो चुका है और हमें एक स्ट्रॉन्ग एंड वाइट बेस भी मिल गया है। मैंने चूज़ किए हैं दो फेवरेट शेड्स और मैं स्टार्ट कर रही हूँ कलरिंग इनकी। एक्रेलिक कलर यूज़ किया है। ये ग्रूव पेपर है जिसके मैंने दो स्क्वायर्स काट लिए हैं, ये भी मुझे पैकेजिंग में ही मिला था। इन्हें मैं सेंटर में स्टिक करूंगी लेकिन कलर ना फैले इसलिए इसे यहीं पर ही कलरिंग करना है। वाइट ग्लू मैंने ऑलरेडी फैला दिया है और इन्हें मैं सेंटर में स्टिक कर रही हूँ। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉक्सेस नहीं हैं तो इनका डेकोरेशन भी मैं कुछ लाइट चीज़ों से ही करूँगी, तो यहाँ पे मैंने ये स्ट्रिंग ले ली है। ये एकदम चौड़ी भी नहीं है बट ये एटलीस्ट इनको आउटलाइन देने में मुझे मदद कर देगी, तो वाइट ग्लू की हेल्प से मैं इसे यहाँ चिपका रही हूँ। और तो कुछ मेरे पास था नहीं तो ये सेंटर स्क्वायर को मैंने जूट लेस से बॉर्डर कर दी। ये थिन से मैक्रमी थ्रेड है, ये मल्टी कलर्ड है, सो मुझे लगा कि इन्हें यूज़ करना ठीक रहेगा। ये आउटर एरिया के डिज़ाइनिंग के लिए इजी हो जाएगा, आसानी से चिपक जाएगा और ये बॉक्स को हैवी भी नहीं करेगा। तो इसी तरह ये वाइट ग्लू की हेल्प से क्रिस क्रॉस मैंने ये थ्रेड्स इधर लगा दिए हैं। जूट वाली बॉर्डर को मैं वाइट एक्रेलिक कलर से पूरा कलर कर रही हूँ। अब फिर भी मेरे पास थोड़ा टाइम है और ये थ्रेड सूखने में थोड़ा वक्त लेंगे, तो मैंने सोचा इनके सेंटर में मैं वाइट डॉटिंग्स कर लूँगी और वो थ्रेड्स भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। ऐसे तो ये बॉक्स कहीं पे भी आराम से प्लेस हो सकते हैं, लेकिन अगर मन किया तो इसे मैं हैंग भी करना चाहूँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे होल्स किए हैं। और उसको ड्यूरेबिलिटी देने के लिए मैंने अगेन ये दो शीट्स आगे पीछे से चिपका दी है। बहुत ही कम सप्लाइज़ में मैंने इन बॉक्स को रेडी किया है, बस एम यही था कि ये जहाँ पर भी रखूँ मैं तो ये दिखने में थोड़ा पेपअप करे। सो मैं आपको ये वॉल पर भी हैंग करके दिखा देती हूँ। और ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं और कोई भी हल्का फुल्का सा आर्टिफिशियल फ्लावर इसमें डाले तो ये इस तरह से दिखेंगे। अपने ऑफिस कॉर्नर में कुछ निक नैक अरेंज करने के लिए आप इसे एज अ ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसे लिविंग रूम में भी यूज़ कर सकती हूँ अगर मुझे कुछ ये रिमोट्स अरेंज करने हो एक जगह एज अ ऑर्गेनाइज़र, मैं इसे वहाँ पर भी यूज़ कर सकती हूँ। एज अ पेयर ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, सो मुझे तो ये काफ़ी पसंद आए। फाइनली मैंने अपने दूसरे DIYs के साथ इसे यहाँ पर अरेंज कर दिया है। एंड इफ़ यू न्यू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन सी यू सून।